क्वेश्चंस नंबर थर्ड। अभी हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चंस में देखिए क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू हम क्या लेंगे, जीरो। क्या लेंगे, जीरो। ध्यान दीजिएगा, अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट प्लेस और ये लास्ट वाले टर्म्स आपको एज इट इज लिख देना है ना। अब सेकेंड स्टेप बताया था कि फर्स्ट में लास्ट से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस टेन में एक्स स्क्वायर में माइनस टेन से आपको मल्टीप्लाई करना है। मीन्स क्या, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टेन करेंगे तो होगा माइनस टेन एक्स स्क्वायर। कितना आया, माइनस टेन एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इस टेन को फैक्टर्स निकाल लो, टू फाइव जा टेन और फाइव वन जा फाइव, समझ में आया। अब देखिए बच्चे, एडिशन करने पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्ट, एडिशन करने पे कितना आना चाहिए हमारा, थ्री एक्स आना चाहिए। कितना आना चाहिए, थ्री एक्स आना चाहिए। यहाँ पे देख लो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस प्लस फाइव एक्स, ठीक है, और माइनस क्या करेंगे, टू एक्स, ठीक है। अब देखो, फाइव एक्स में से टू एक्स गया कितना एक्स हुआ, थ्री एक्स। फाइव एक्स में से टू एक्स गया कितना हुआ, थ्री एक्स। प्लस में थ्री एक्स था तो प्लस में थ्री एक्स, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, फाइव एक्स इंटू माइनस टू एक्स करेंगे बच्चों, फाइव टू जाए कितना हो जाएगा, टेन। माइनस एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया, एक्स स्क्वायर। ए और ए देख लीजिए, एक्स स्क्वायर सेम है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है, ए दोनों टर्म्स में से बस क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे कैसे, दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस एक्स तो ऑलरेडी कॉमन ले लिए, क्या बचा, फाइव बचा बच्चों, समझ में आया। सेकेंड में देख लीजिए क्या कॉमन लेंगे, माइनस टू कॉमन लेंगे। क्यों लिए माइनस टू, दोनों में क्या है, माइनस है, ओके। तो माइनस टू कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया, एक्स। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। टू का डबल कितना बार पढ़ेंगे, टेन आएगा, फाइव बार, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, समझ में आ रहा है। अब देख लीजिए, ए वाले वैल्यू और ए वाले वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या आया है, सेम आया है। देखो एक्स प्लस पाँच और एक्स प्लस पाँच सेम आया है, ये दोनों में से एक लिख दो, एक्स प्लस पाँच। ये क्या आया है, एक्स माइनस दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एरो का सिंबल सिस्टमेटिक वे में देते हुए चलना है, ठीक है, इक्वल टू। अब देखो बच्चों, अभी आपको क्या करना है, ये दोनों के बराबर में एक्स प्लस फाइव के बराबर में एक बार जीरो ले लीजिए, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस फाइव आएगी। एक बार एक्स माइनस टू के बराबर में जीरो ले लीजिए, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस टू आएगी। समझ में आ रहा है ना सबको, ये आपकी एक अल्फा की वैल्यू आई और एक क्या आई, बीटा की वैल्यू आई, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं डाउट है तो हम लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो था। ए की वैल्यू क्या है बच्चों, वन। बी की वैल्यू कितना है, थ्री। सी की वैल्यू कितना है, माइनस टेन। समझ में आ रहा है। अब देखो, रिलेशनशिप के लिए मैंने बताया था सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन। देखो बच्चों, अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस फाइव, प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, टू। माइनस फॉर्मूला से बी की वैल्यू क्या है, थ्री अपॉन ए की वैल्यू कितना है, वन। सीधा सीधा जवाब देना, माइनस फाइव में से टू गया कितना होगा, माइनस थ्री इक्वल टू क्या है, माइनस थ्री। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे थ्री बराबर क्या हो गया, थ्री। तो एल एच एस बराबर क्या आया, आर एच एस। समझ में आ गया, जब ए समझ में आ गया तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकाल लेंगे। सेकेंड रिलेशनशिप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बच्चों क्या होता है, सी अपोन है। क्या होता है, सी अपोन है। अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस फाइव, जोर से बोलिए। बीटा की वैल्यू क्या है, कितना है बीटा की वैल्यू, क्या होता है, सी की वैल्यू कितना है, माइनस टेन अपोन ए की वैल्यू कितना है, वन। लिखना चाहिए अच्छे से, फाइव टू जा माइनस टेन इक्वल टू क्या है, माइनस टेन। माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, टेन इक्वल टू क्या है, टेन। तो एल एच एस बराबर क्या आया, अच्छे से समझ में आया। तो बच्चों आपको सिस्टमेटिक राइट डाउन करते हुए जाना है। तो बच्चों अभी हम लोग आ चुके हैं सीधा क्वेश्चंस नंबर फोर पे।
अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, 4x² - 4x - 3 तो हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे, क्या लेंगे, जीरो। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे मैं स्टेप्स बताया हूँ वही स्टेप्स क्या करना है, फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म 4x² है, लास्ट टर्म -3 = क्या लिख लिए, जीरो लिख लिए, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मिडिल टर्म्स को क्या करना है, स्प्लिटिंग करना है। तो मैंने तरीका बताया है, -4 से 3 में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या है 4x² क्या है -3, 4 त्रिज्या कितना हो गया 12x² माइनस में आया, क्या आया बच्चों, -12x², है ना। अब देख लीजिए एक 12 का क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 समझ में आ रहा है ना। अब देखो जब ऐसे ही समझ में आता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा आगे भी बढ़ते रहेंगे। 3 2 कितना हो गया 6, क्या हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -6x और प्लस में 2x, ठीक है, प्लस में 2x। अब देखो 4 3 कितना आया था, -12x², 3 2 कितना हो गया 6, और यहाँ पे देखो बच्चों -6x * क्या करेंगे 2x, बताइए फटाफट, 6 2 12x में एक्स मल्टीप्लाई हुआ x² 8 12x² और 8 12x² देखो, समझ में आ रहा है ना। तो आपको ऐसे ही समझना है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या लेंगे, कौन बताएगा, दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 2x तो ले सकते हैं, 2x इधर भी आएगा और 2x इधर भी आएगा। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे लेता हूँ 2x कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 4 2x माइनस 2 3 6, समझ में आ रहा है। अब ए दोनों में क्या कॉमन लेंगे बच्चों, 1 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 1, तो 1 दोनों में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x - 3, क्या आएगा 2x - 3 = 0, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो जब ऐसे ही समझ में आएगा तो ये दोनों में से एक एज इट इज लिख लीजिए, क्या 2x - 3, और ये वाले टर्म्स लिख लीजिए 2x + 1 = क्या है बच्चों 0, क्या है 0। अब देख लीजिए एकदम आसान, एरो का सिंबल प्रोवाइड कर दीजिए सब में। अब देखो बच्चों आगे क्या करना है, 2x - 3 = 1 बार 0 ले लेना है, और 2x के बराबर क्या होगा, ये -3 उधर गया तो +3, x की वैल्यू क्या है 3/2, क्या है 3/2। सेकेंड में देख लीजिए 2x + 1 = क्या है बच्चों 0, 2x बराबर है +1 उधर गया -1, तो x की वैल्यू क्या है -1/2, कितना आया -1/2। अब देखो आगे आपको क्या करना है, इरेज करता हूँ, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन सबका था 4x² - a का वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है -4, बैटरी लो क्यों हो रहा है, c की वैल्यू कितना है -3, c की वैल्यू है -3। अब देखो बच्चों मैंने दो चीज बताया है रिलेशनशिप के लिए, सम ऑफ जीरो और क्या बताया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है α + β, क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a, अल्फा की वैल्यू कितना है बच्चों देख लीजिए 3/2, और बीटा की वैल्यू क्या है -1/2, माइनस में है, और ये क्या होता है माइनस, बी की वैल्यू कितना है -4, और सी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू कितना है 4। अब देखो बच्चों 3/2 प्लस माइनस क्या होगा -1/2 = माइनस माइनस क्या हो गया +4/4, समझ में आ रहा है। 2 2 सेम है, ऊपर वाला 3 -2 2 सेम है, ऊपर वाला 1 = क्या है 4/4, आ रहा है समझ में। 3 में से 1 गया कितना हुआ 2/2 = कितना है 4/4, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों 2 1 2 और 4 1 4, 1 बराबर क्या है 1, LHS बराबर क्या आया, एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है ना, इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड देख लीजिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपोन ए, क्या होगा सी अपोन ए। अल्फा की वैल्यू बच्चों कितना है यहाँ पे 3/2, क्या है 3/2। बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों -1/2 इक्वल टू, सी की वैल्यू कितना है -3, ए की वैल्यू कितना है 4। आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 में माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ -3, 2 2 4, यहाँ पे देख लीजिए -3/4। एलएचएस बराबर क्या आया आरएचएस, लिख दीजिए एलएचएस बराबर क्या हो गया, समझ में आ गया तो फटाफट राइट डाउन कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चंस में है क्या है 5x² - 4 - 8x है बच्चों। एक चीज आप याद रखना, कभी कभी क्वेश्चंस उल्टा सुल्टा करके आपको पूछ सकता है, तो आपको क्वेश्चंस को क्या करना है सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखना है, है ना। तो सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखने के लिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म पढ़ा है ax² + bx + c, पहले बड़े वाले पावर को लिखेंगे, है ना। बड़े वाले पावर क्या है 2, तो देख लीजिए यहाँ पे 5x², उसके बाद क्या है x वाले को लिखेंगे, यहाँ पे x वाले नहीं है तो यहाँ पे x वाले हैं तो लिखेंगे -8x, और माइनस में क्या लिखेंगे 4 इक्वल टू क्या लेंगे 0, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से आपका कैलकुलेशन क्या होगा स्टार्ट होगा, है ना। तो देखो बच्चों सबसे पहले एक बात बताइए, यहाँ पे फर्स्ट में लास्ट से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सेम रूल्स फॉलो करना है। 5x² - -4 करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 4 20x² कितना हुआ 20x², ये 20 का एलसीएम ले लीजिए 2 से, हमारे में 2 10 जाए 20, 2 5 जाए क्या हो गया बच्चों 10 हो गया। अब देख लीजिए 5 1 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे एडिशन करने पे कितना आना चाहिए -8x, ऐसे टर्म्स अरेंज करना है, क्या करना है अरेंज करना है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्या एडिशन करने पे कितना आना चाहिए -8x, यहाँ पे देख लो 5 2 जाए कितना हो गया 10, और 10 2 जाए कितना हो जाएगा 20। और देख लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट वाले एज इट इज लिख दे रहा हूँ और ये लास्ट वाले एज इट इज लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिख रहा हूँ -10x और प्लस में 2x, यही आ रहा हूँ 10 में से 2 गया 8, ठीक है 10 2 ना कितना हो जाएगा 20, समझ में आया। तो आपको सिस्टमेटिक में देखना है ये दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, कौन बताएगा क्या कॉमन लेंगे 5x कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 5x कॉमन लेंगे, 5x कॉमन ले लिया बच्चों 5x, यहाँ पे क्या बच गया 1x माइनस 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा 2 बार, प्लस ये दोनों में क्या कॉमन आएगा 2, अंदर में क्या बच गया x प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 2 जा 4 है 0। अब देख लो बच्चों ax - 2 और ax - 2 सेम आया, तो देख लीजिए x - 2 हमने एक लिख दिया और एक आपके ए वाले मल्टीप्लाई वाले 5x और ये सेकेंड वाले टर्म्स, अच्छे से समझ में आया। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है यहाँ पे x - 2 = 0 लेना है, तो x की वैल्यू कितना हो गया +2, एक ए हो गया, एक देख लीजिए 5x + 2 = क्या है 0, तो 5x = क्या हो जाएगा -2, तो x = क्या हो जाएगा -2/5 कितना हो गया 5, क्या हो गया -2/5, है ना, बहुत आसान है। तो यहाँ पे हमने 2 0 फाइंड किया है, क्या फाइंड किया है x की वैल्यू एक 2 आई है और एक x की वैल्यू कितना है 2/5 आया, समझ में आया। आगे बढ़े, अब देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए क्या था क्वेश्चन 5x² - 8x - यही था, a का वैल्यू बच्चों कितना है 5, b की वैल्यू कितना है -8 और c की वैल्यू कितना है, समझ में आ रहा है ना सबको, तो बोलना s। अब देख लीजिए, अब देखो मैंने बताया है सम ऑफ जीरो क्या है, सम ऑफ जीरोज
क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है माइनस बी अपोन ए, क्या होता है माइनस बी अपोन ए। अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या है, कितना है 2, बीटा की वैल्यू कितना है माइनस 2 अपोन 5 इक्वल टू क्या है माइनस, फॉर्मूला से बी की वैल्यू कितना है माइनस 8, ए की वैल्यू कितना है 5, चलो 2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 2 अपोन 5 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 अपोन 5। किसी को कोई डाउट्स है, यहाँ पे 1 एज्यूम्स करो, 5 और 1 का एलसीएम लो, क्या हुआ 5, क्या हुआ 5, 5 टू जा कितना हो गया 10, माइनस 5 और 5 सेम है तो ऊपर वाले 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा 8 अपोन, चलो 10 में से 2 गया कितना हुआ 8 अपोन 5 इक्वल टू कितना हुआ 8 अपोन आ गया। तो बच्चों बताओ LHS बराबर क्या आ गया, ठीक है LHS बराबर RHS आ गया। एक रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाई हो गया। सेकेंड में देख लीजिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपोन ए, क्या होता है सी अपोन ए। अल्फा की वैल्यू कितना है कौन बताएगा 2, बीटा की वैल्यू कितना है माइनस 2 अपोन 5 इक्वल टू क्या है सी अपोन ए, सी की वैल्यू कितना है माइनस 4, ए की वैल्यू कितना है 5। देखो बच्चों ध्यान से इधर देखना, 2 टू जा 4, माइनस 4 अपोन 5 इक्वल टू कितना हो गया माइनस 4 अपोन, क्या अब देख माइनस से माइनस को क्या कर दो कैंसिल, क्या बचा 4 अपोन 5 इक्वल टू क्या बचा 4 अपोन 5। तो LHS बराबर बच्चों क्या आ गया, सर आ गया है ना। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन एकदम सिस्टमेटिकली सोल्व करते हुए चलना है। बच्चों हम लोग सीधा अभी आ चुके हैं क्वेश्चंस नंबर 6 पे, है ना। तो क्वेश्चंस नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 6 में क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2√3x²-5x+√3 इक्वल टू क्या है 0 है। अब देख लीजिए नीचे वाले टर्म्स आपको एज इट इज लिख देना है, फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स और इक्वल टू 0, ठीक है। टर्म्स को स्प्लिटिंग करना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट से लास्ट में क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। देख लीजिए 2√3x² इंटू क्या करेंगे 3। अब देखिए 2√3 टू टू ठीक है, 3 में रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा √9 और x² को क्या लिखेंगे x², इसी तरीके से आपको देखना है। देख लीजिए 2√9 को क्या लिखेंगे रूट निकालेंगे तो कितना होगा 3 और x² है तो x². अब देख लीजिए 2√3 का कितना हो गया 6x² कितना है 6x² 6 के एलसीएम ले लो 2√3 जा 3√1 जा, ऐसा टर्म्स अरेंज करना है। जोड़ने पे कितना आना चाहिए माइनस 5x। चलो बच्चों आप बताओ यहाँ पे माइनस क्या लिखता हूँ, माइनस 2x, माइनस 2x और माइनस 3x, माइनस 3x और माइनस 2x कितना हो गया माइनस 5x हुआ ना, माइनस 3x और माइनस 2x कितना हुआ माइनस 5x हुआ, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉमन लेना है, क्या लेना है कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है वो आपको देखना है। ये दोनों टर्म्स में हम क्या कॉमन लेंगे, कौन जवाब देगा, क्या लेंगे 2x तो कॉमन ले सकते हैं, क्या लेंगे 2x कॉमन लिए तो बच्चों यहाँ पे क्या बच गया √3x, क्या बच गया √3x माइनस 2x तो ऑलरेडी ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचा, क्या बचा। अब देखो आपको सोचना है ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे, कंडीशन है, कंडीशन क्या है, ए वाला और ए वाला दोनों क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे हमने कॉमन लेता हूँ, मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ क्या माइनस √3, क्या कॉमन लेता हूँ माइनस √3, भाई माइनस √3 क्यों ले लिया कॉमन, है ना, अभी क्वेश्चन आता है। अब देख लो बच्चों आपको ए थ्री को लिखना है, ए थ्री को आप लिख सकते हो √3 × √3 लिख सकते हो, क्या होता है √9, क्या होगा √9, √9 को क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे देख लीजिए √3 कॉमन लिया हूँ तो यहाँ पे क्या बच गया अंदर में √3x, क्या बच गया √3x,
प्लस माइनस क्या होगा माइनस रूट थ्री, रूट थ्री सेम है, रूट थ्री वन जा रूट थ्री क्या हो गया जीरो, समझ में आया। अब देखो बच्चों ए टर्म्स और ए टर्म्स दोनों सेम है, सेम है ना, तो यहाँ पे क्या करो दोनों में से एक एज इट इज लिख दो रूट थ्री एक्स माइनस वन, और एक ए वाले सेकेंड टर्म्स लिख दीजिए टू एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू क्या है, क्या है इक्वल टू जीरो। अब देखो बच्चों आपको सिस्टमेटिक क्या करना है, अरेंज करना है, क्या करेंगे रूट थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या है जीरो, रूट थ्री एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस वन, एक्स बराबर क्या हो जाएगा वन अपॉन रूट, कितना हो गया वन अपॉन रूट थ्री, है ना, समझ में आया। तो ये आपको सिस्टमेटिक वे में करते जाना है। दूसरा देख लीजिए क्या है टू एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू क्या है जीरो, टू एक्स बराबर है माइनस रूट थ्री उधर गया तो क्या हो गया प्लस रूट थ्री, एक्स बराबर क्या हो गया रूट फाइव, अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं, आपको बस अरेंजमेंट फॉर्म समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन क्या हो गया है ना। तो अभी देख लीजिए अभी आगे चलते हैं, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या था टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस रूट थ्री, ए का वैल्यू बच्चों क्या है टू रूट थ्री, बी की वैल्यू कितना है माइनस फाइव, की वैल्यू कितना है रूट, समझ में आ रहा है ना। अब देखो अभी आपको क्या करना है यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या करना है, सम ऑफ जीरोस रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बच्चों क्या होता है माइनस बी अपोन है, देखो इधर क्या होता है माइनस बी अपोन है, अल्फा की वैल्यू कितना है वन बाई रूट थ्री प्लस बीटा की वैल्यू कितना है रूट थ्री बाई टू इक्वल टू कितना होगा माइनस फॉर्मूला से, बी की वैल्यू कितना है माइनस फाइव अपोन, ए की वैल्यू कितना है टू रूट थ्री कितना है टू। अब यहाँ पे देख लीजिए दोनों का एलसीएम लीजिए रूट थ्री और टू का तो क्या होगा टू रूट थ्री, क्या हो गया टू रूट थ्री, और ए रूट थ्री और रूट थ्री सेम है तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या बचेगा टू, टू में वन से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया टू प्लस में ए टू और ए टू सेम है तो क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री में रूट थ्री से मल्टीप्लाई हुआ क्या होगा रूट नाइन, रूट नाइन को क्या लिखेंगे थ्री इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फाइव अपॉन टू रूट, देखो थ्री और टू कितना हो गया फाइव अपॉन टू रूट थ्री इक्वल टू फाइव अपॉन टू रूट, समझ में आ रहा है सबको। तो देखो बच्चों एल एच एस बराबर क्या हो गया ये आपको में हुए जाना है, ठीक है। अब देख लीजिए आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों सी अपोन है ना, सेम वही रास्ता है, बस आपको अल्फा की वैल्यू कितना है वन बाई रूट थ्री, बीटा की वैल्यू कितना है थ्री बाई, सी की वैल्यू कितना है सी की वैल्यू कितना है रूट थ्री, ए की वैल्यू बच्चों क्या है टू रूट, अब देखो रूट थ्री में वन से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा रूट थ्री है ना, टू में रूट थ्री से मल्टीप्लाई हुआ है टू रूट थ्री, रूट थ्री बाई टू रूट थ्री है ना, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए एल एच एस, एल एच एस बराबर क्या हो गया, फिर करता हूँ ये जितने सारे क्वेश्चंस करवाया हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया है ना।